चलो बेटे, लेट अस स्टार्ट। वी आर विद द हेलो एल्केन हेलोरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टी, वी हैव फिनिश द एलिमिनेशन रिएक्शन। वी हैव टू स्टार्ट विद रिएक्शन विद द मेटल्स। द रिएक्शन विद द मेटल्स, फर्स्ट, वेरी फर्स्ट रिएक्शन यू हैव स्टडीड इन क्लास प्लस वन। So, बेटे Rx Na Rx, this is the Wood's reaction you have done in class plus one. तो मैं R R plus NaX बना था, तो Rx कुछ भी हो सकते हैं, योर मिथाइल हैलाइड, हमेशा जब भी मेटल की रिएक्शन होती है बेटे, दियर द सॉल्वेंट इज ड्राई ईथर लाइक यू विल टेक, क्योंकि जो मेटल्स हैं दे विल डू रिएक्ट विद द वॉटर, दे विल डू रिएक्ट विद द वॉटर। डायरेक्ट कोई रिएक्शन ही पूछता बेटे नेमिंग के अलावा, इन द कन्वर्जन्स, इवन नेमिंग भी कन्वर्जन्स में यूज होगी आपकी। This is the Wood's reaction. उसके बाद very important reaction with the Grignard reagent to form the Grignard reagent. अगर आप let me take here. You will take Rx. You will treat with Mg. Again in the presence of बेटे dry ether, RmgX बनता है. That is known as Grignard reagent. ठीक, लाइक इफ यू हैव CH3ClMg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यू विल गेट CH3MgCl. तो ये जो बेटे प्रोडक्ट बना इसे Grignard reagent कहा जाता है. इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि व्हाई Grignard रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन. ये एक क्वेश्चन है जिस जो इसमें से आता है. ठीक है, व्हाई Grignard रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पूछा गया, 2 मार्क्स का. अब MCQ है, लेट इट बी, आपसे प्रोडक्ट पूछ सकते हैं कि ये Grignard रिएजेंट है, आपने वॉटर दे दिया तो क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, रिएक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो जैसे Grignard रिएजेंट को थोड़ा सा भी वाटर मिलता है ना बेटे, ये एल्केन में चेंज हो जाता है. ठीक है, इसलिए जब भी Grignard रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाता है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में प्रिपेयर किया जाता है. कंडीशन शुड बी एनहाइड्रस. थोड़ा सा भी आप इसको पानी दोगे, इफ इट विल गेट्स वाटर, इट विल चेंज इनटू एल्केन. ठीक है, इट विल चेंज इन टू एल्केन. ये क्वेश्चन बहुत बारी आ चुके हैं व्हेन देयर वाज अ सब्जेक्टिव, बट अब ऑब्जेक्टिव है. आपको ये लिखा सकते हैं कि Grignard रिएजेंट प्रिपेयर किया, वाटर आया तो क्या बना. इवन कोई भी प्रोटिक जो एच प्लस देता हो, लाइक एल्कोहल्स भी एच प्लस देते हैं, अगर एल्कोहल दोगे तब भी एल्केन बन जाएगी. ठीक है, उसके ऊपर ये भी लिख सकते हैं कि अगर कैन वी प्रिपेयर Grignard रिएजेंट इन एल्कोहलिक मीडियम, देन ऑल्सो योर आंसर विल बी नो. वो पूछेंगे क्या प्रोडक्ट बन सकता है, एल्केन. जैसे ही वॉटर मिलता है Grignard रिएजेंट को, वैसे ही एल्केन्स बन जाती हैं. कभी भी जो भी आप Grignard रिएजेंट के आगे भी रिएक्शन देखोगे, एल्कोहल फिनोल या एल्डिहाइड की टोन्स में, हम कभी भी एरो के ऊपर ऐसा कोई सॉल्वेंट नहीं डालेंगे जो वॉटर देगा. हम हमेशा ड्राई ईथर लिखते रहेंगे. ठीक है बेटे, क्योंकि ईथर इतना पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट नहीं है, पर उसको भी हम ड्राई किया जाता है. Got the point? So this is very important reaction. ठीक है, तो ये reaction होने के बाद let us start with the preparation of halorenes. Preparation of halorenes. What are halorenes?
These were haloalkanes, bete. In the haloalkanes, we have done preparation. Preparation mein from alcohol. Theek, if you remember, if you have attended the class, you have done from alcohol, from alkene, so many preparation you have done. Theek hai? Then, iski important property hoti hai haloalkane ki, that is nucleophilic substitution reaction, elimination, and now reaction with the metals. Theek? Ab next part aa gaya bete, haloarenes. हेलोरीन्स को प्रिपेयर करने के लिए हम डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं. डाइजोनियम क्लोराइड, अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या है? यू मस्ट बी फास्ट इनफ टू राइट द रिएक्शन. दिस इज नॉट वन और टू रिएक्शन एज क्लास टेंथ. आपको एक दो एक आधी स्टेरिफिकेशन वो अल्कोहल वाली रिएक्शन एक आधी नजर नहीं आएगी, बहुत सारी रिएक्शंस नजर आएंगी. तो आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटे ये बेंजीन डाइजोनियम बनता कहाँ से है, फिर हम रिएक्शन करेंगे. ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम हम जब सोडियम नाइट्राइट को HCl में डालते हैं तो नाइट्रस एसिड बनता है और ये रिएक्शन 0 to 5 डिग्री पे आती है आइस में. टेस्ट ट्यूब में आप आइस लेते हो, लिसन टू मी केयरफुली, दो टेस्ट ट्यूब होते हैं, एक में सोडियम नाइट्राइड का सॉल्यूशन लिया जाता है, एक में HCl का सॉल्यूशन लिया जाता है, इसको आइस में रखा जाता है. ठीक, फिर इन दोनों के मिक्सचर से HONO बनता है. ठीक है, HONO. फिर एनिलीन लिया जाता है, वो भी आइस में ही पड़ी होती है. ये एनिलीन जो है ये भी आइस में ही होगी आपकी टेस्ट ट्यूब. ये जो बना है इसको आप एनिलीन में डालोगे तो HONO के साथ HCl भी होगा, तब आपको बेंजीन डाइजोनियम मिलता है. ठीक है, अब मैंने ये क्यों करवाया, प्रिपरेशन आपकी डाइजोनियम क्लोराइड से स्टार्ट है, पर मैंने ये क्यों करवाया बेटे, जब कन्वर्जन्स आती हैं तो दे विल से कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन. कन्वर्ट एनिलीन, दिस इज एनिलीन, और ये रिएक्शन आप 0 to 5 डिग्री पे ही करोगे. अगर एरो के ऊपर 0 to 5 डिग्री नहीं है तो यू विल गेट 0 मार्क्स. ठीक है बेटे, ये रिएक्शन होती ही आइस में है, ध्यान रखना. आइस के बाहर निकालोगे फिनॉल्स बन जाते हैं, तो आइस के बिना डाइजोनियम नहीं बनेगा. अगर आप एनिलीन को इसके साथ रिएक्ट करते हो, रिएक्शन 0 to 5 डिग्री, बुक्स में आपको 273 भी नजर आएगा, 0 डिग्री होता है केल्विन में होगा, तो यू कैन राइट 0 to 5 डिग्री ऑल्सो. ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं है ना तो डाइजोनियम जो बनेगा वो फिनॉल बन जाता है. तो एरो के ऊपर ये कंडीशन लिखनी जरूरी है, समझ आ रही है, नहीं तो 0 मार्क्स यू विल गेट इन द एग्जाम. तो आपको पेपर में अगर MCQ है तो अगेन आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द कंडीशंस. अगर ये कंडीशन नहीं देते तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट विल बी फिनॉल रेदर देन डाइजोनियम. ठीक, नाउ टेकिंग दिस डाइजोनियम, इफ यू विल ट्रीट इट विद सीस कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यू विल गेट क्लोरोबेंजीन एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन. Sandmeyer's reaction with the elimination of this group that is known as nitrogen. That is known as nitrogen. Likewise, if you will take CuBr in HBr, you will form bromobenzene
giving you nitrogen as a gas. Bromobenzene nitrogen as a gas. अब क्योंकि एमसीक्यू है अगेन यू हैव नाइट्रस एसिड यू हैव एनिलीन ट्रीटिंग इन इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl जरूरी नहीं वो डाइजोनियम लिखें ये रिएक्शन एनिलीन से स्टार्ट हुई है एनिलीन से स्टार्ट हुई है HONO 0 to 5 degree पर और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन यहां से स्टार्ट होती है ठीक है कन्वर्जन सैंड में पूछे तो यहां से स्टार्ट होती है कन्वर्जन में एनिलीन से उठा सकते हैं क्योंकि आपके चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं उसके बाद नाउ कम नेक्स्ट रिएक्शन बेटे गैटरमैन अच्छा अब पहले सैंड में लिखिए सैंड से आप सैंडविच याद रखो ठीक है इट विल बी इजियर सैंडमेयर और गैटरमैन में फर्क क्या है सिर्फ इस सीएल का ठीक है सैंडविच में दो ज्यादा लेयर्स होती है ना तो जब ये सीएल हटा देते हैं ये वाला बीआर हटा देते हैं तो इसी रिएक्शन को कहा जाता है गैटरमैन इसी रिएक्शन को कहा जाता है गैटरमैन रिएक्शन राइट डाउन लिख लो फटाफट कॉपर पाउडर प्लस HCl कॉपर पाउडर प्लस HBr तो ये गैटरमैन बन जाती है GATERMAN गैटरमैन ऑर्गेनिक जितनी लिखोगे उतनी आएगी प्रैक्टिस किया करो बहुत ज्यादा अब इसी डाइजोनियम को जब पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में वार्म किया जाता है तो यू विल गेट आइडोबेंजीन आइडोबेंजीन एमसीक्यूज आर नॉट सो मच इजी ऑफ द ऑर्गेनिक आपको स्टार्टिंग एंड बीच में रिएजेंट क्या यूज है सब पता होना चाहिए बुक्स ले लो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो भी नहीं आ रही है जिसमें एमसीक्यूज हैं स्टार्ट डूइंग इट क्योंकि पेपर बाहर से ही आने हैं आपके यू शुड बी रेडी विद ऑल द स्टफ्स उसमें पी ब्लॉक और फिजिकल और वो है वो भी कोई इजी नहीं न्यूमेरिकल बेस बनेंगे पी ब्लॉक में भी रिएक्शन बेस काफी है अभी आपका आज टेस्ट है पी ब्लॉक का नेक्स्ट जो रह गया ठीक है मंडे एवरी मंडे आप देखना आपको एमसीक्यू आ जाएंगे अभी आज 5 बजे तो जस्ट चेक इट आउट कि पी ब्लॉक में कैसे एमसीक्यू बनते हैं बेटे एमसीक्यू टर्म 1 हो ही एमसीक्यू गई है एंड इट इज नॉट इजियर अब आ जाओ बेटे अगेन टेक डाइजोनियम यू कैन राइट डाइजोनियम लाइक दिस आल्सो यू कैन राइट डाइजोनियम लाइक दिस आल्सो ट्रीटिंग विद फ्लोरोबोरिक एसिड This is for only fluorobenzene. Fluoroboric acid. This is intermediate you are getting with. When you are heating this intermediate, you will get fluorobenzene. फ्लोरोबेंजीन
and this is reaction is also very important as it is naming reaction. The name of the reaction is Bahl-Scheiman. Then बेटे after it it is halogenation of benzene and this particular reaction you have done again in the class plus one in which you are taking benzene in presence of chlorine with the Lewis acid you will get chlorobenzene bromobenzene like this product if there is ortho para directing group like CH3 then chlorine will attack on ortho and para position and major will be the para product as there is less steric hindrance because CH3 is ortho para directing what is ortho para directing you again done in class 11 this one para product is a major one kusumar para kya hota बेटे नहीं पता ना पढ़ना शुरू कर दो बेटे बेटे ऑर्थो पैरा जो है इट इज ऑफ क्लास 11th इज नॉट ऑफ क्लास 12th ऑर्थो दिस इज ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन एंड दिस इज मेटा पोजीशन
Ma'am, your voice is not audible. It's audible, bete? Yes, ma'am. Okay. So, carbocation, carbonion and free radical. अब कैटाइन तो आपको पता ही है, पता है ना कार कैटाइन क्या होते हैं, एनाइन क्या होते हैं। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तब कहते हैं कार्बो कैटाइन, जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्ब एनाइन हो जाएगा, तो फ्री रेडिकल्स क्या हो जाएंगे। कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बेटे जैसे ये सीएल लगा है, जैसे ये सीएल लगा हुआ है ना, ये शेयरिंग से बना है, शेयरिंग से बना है, मगर सीएल ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। जब ये निकलेगा तो ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो आपके पास बनेगा कार्बोकेटाइन। This is known as carbocation. ठीक है, carbocation. अब ये होते हैं tertiary carbocation. ये होता है secondary carbocation. और ये होता है primary carbocation. You have heard about inductive effect. You have heard about inductive effect. एक इफेक्ट होता है जिससे क्या होता है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट इसको कहते हैं। बेटे टेक आउट योर प्लस वन बुक एंड स्टार्ट स्टडी, इट्स हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, दैट इज टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है बेटे। टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, जो चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपके पास कोई चीज की कमी है तो आपको कमी को पूरा करेगा, आपको स्टेबल करेगा। यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये तीन तीन कार्बन ये कमी दूर कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे एक कार्बन सिर्फ लगा है, ठीक है, इधर दो लगे हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज सेकेंडरी, ठीक। कार्बन एनायन क्या हो जाएगा, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जो आपके लिए क्लास ट्वेल्थ में कार्बन एनायन हम बहुत कम बनाएंगे, दैट इज व्हाई आई एम ड्रॉपिंग इट, ठीक। मैं फ्री रेडिकल्स की बात करूंगी बहुत ज्यादा। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं बेटे, फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि इसमें फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल होते हैं अगर ये बॉन्ड है, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो, होमो मीन्स एक जैसी, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, ठीक है, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज। ये क्लीवेज जनरली हाई टेम्परेचर और लाइट की प्रेजेंस में होती है, होमोलिटिक क्लीवेज। जब आप लाइट देते हो या फ्री रेडिकल जनरेट, और फ्री रेडिकल भी जो जनरेट करेंगे वो लाइट और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ही करते हैं। एरो के ऊपर देखोगे एच म्यू लगा होगा, जहां पे भी फ्री रेडिकल रिएक्शन चल रही होगी, या 773 केल्विन टेम्परेचर लिखा होगा, जब भी फ्री रेडिकल्स की बात आएगी तो एक लाइट देखोगे आप, ठीक है, ऊपर लिखी हुई। तो ये जो लाइट है ये क्या करती है, ये बॉन्ड को इक्वली क्लीव कर देती है। अब इक्वली क्लीव करने से क्या होता है, हमारे पास ऐसा कुछ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गया अपना ही रह गया, पर ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट हुआ इसका, ऑक्टेट रूल तो यू नो क्या कंप्लीट हुआ, नो, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटिंग अप, इट इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये डॉट ये शो कर रहा है इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है,
कार्बोकेटाइन में क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाती है, साथ कार्बन का भी ले जाती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आता है। जब फ्री रेडिकल बनता है, हाइड्रोजन या क्लोरीन भी लेके जाएगी, आगे हम देखेंगे, जो भी है, जो भी लेके जाता है वो अपना ही इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, दूसरे का नहीं लेके जाता। मगर दूसरा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसका ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है, इसे कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये सब कुछ जो कार्बोकेटाइन है, फ्री रेडिकल्स है, इन्हें कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जो एक रिएक्शन के दौरान बनते हैं। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों है? क्योंकि इनमें कुछ कमी है या कुछ ज्यादा है। जब तक चीज न्यूट्रल नहीं होगी तब तक वो किसी और की खोज में निकलेगा, तो ये इंटरमीडिएट्स कभी भी स्टेबल नहीं होते, इन्हें फ्री रेडिकल कहा जाता है। अब है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनका भी ऑर्डर स्टेबिलिटी का टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ही होता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब इनको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप इनके आसपास लगे होंगे तो इनको स्टेबल करेंगे। कार्बोकेटाइन का भी ऑर्डर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ही होता है। कार्बेनाइन जो होते हैं वो हम बहुत कम बनाएंगे, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग योर 11th नाउ, ठीक। द ऑर्डर इज प्राइमरी, ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, वीडियोस देख लेना 11th की, ठीक है, मैं बता दूंगी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी क्लास प्लस वन में, तो देन यू विल सी, क्योंकि इस बाय टर्म वन में ही है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जस्ट चेक इट आउट द वीडियोस ऑफ 11th स्टैंडर्ड। बूस्ट अप योर सेलिब्रेटेड, हाई टाइम नाउ, और आते हम आप हमारे पास लेट हो,